धर्मघर जी को लेकर भूपेश सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय और सांसदों की बैठक में बीजेपी के शामिल नहीं होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जवाब सामने आया है। रमन ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लेकिन धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार की पॉलिसी है, ये नीतिगत विषय है। हालांकि इस दौरान उन्होंने राज्य की 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के केंद्र से किए गए अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की, न ही किसी तरह से समर्थन दिए जाने का इशारा किया। डॉक्टर रमन सिंह ने यह जरूर कहा कि चूंकि कांग्रेस सरकार ने किसानों से धान खरीदी का वादा किया है, लिहाजा सरकार को पूरा धान खरीदना चाहिए। हम चाहेंगे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस टिप्पणी जिसमें यह कहा गया था कि रमन किस आधार पर सांसदों को बैठक में जाने से रोक रहे हैं, उसके जवाब में कहा कि मैं सांसदों को रोकने वाला कौन होता हूं, उन्हें रोकने का सवाल ही नहीं उठता, सांसद अपना निर्णय खुद लेते हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रमन ने कहा कि इस बात का जवाब सांसद ही बेहतर ढंग से उन्हें बता सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है और ये राज्य सरकार की पॉलिसी है, ये तो नीतिगत विषय है, इसमें क्या बैठ के यहाँ डिसीजन लेंगे वहां से, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है बस। नहीं, सरकार को पूरा खरीदना चाहिए।